डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि जानते हैं अभी हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहते हैं, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 सब एक ही जैसा है। तो आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को बना लिए हैं। और हाँ, एक नोटिस है दोस्तों, वो सुन लेना है ध्यान से। जो एक्सरसाइज 7.4 में जो हम लोग क्वेश्चन 18 नंबर कर रहे थे, 18 में जानते हैं ना आप I1 भी निकाले होंगे, I2 भी निकाले होंगे। तो हम लोगों का I2 में ज़रा मिस्टेक है फार्मूला में, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला ही गलत नोट्स कर लिया है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं 1 बाई x² + a² × dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। हम लोग सिर्फ लिखे हैं tan इनवर्स x/a + c, जबकि दोस्तों 1 बाई a होता है। 1 बाई a पहले लिख लिया जाता है, तब फार्मूला होता है tan इनवर्स x/a का। तो ये माइनर मिस्टेक है, आप इसको सुधार कर लीजिएगा। और फिर 18 नंबर में जो I2 हम लोगों ने निकाला है, वहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, तो हम लोगों को आंसर बुक से मैच कर जाएगा। ठीक है, मुझे पता नहीं था, मतलब गलती से 1/a छूट गया था, इसलिए आंसर नहीं आ पा रहा था। फिर हम बोल दिए थे कि आंसर गलती है, क्योंकि हमको पता ही नहीं था, कॉन्फिडेंस था कि ऐसा नहीं होता है, तो फार्मूला लगाना भूल गए थे, यहाँ 1/a होता है। ठीक है, तो आप 18 का I2 जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान से सुधार कर लीजिए। और बाकी जो 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 21, 22, 23 तक के जो भी क्वेश्चन है, आखिर सब उसी तरीके से है दोस्तों। आपको करना क्या है, यहाँ पे x-5 x-4 को गुना कर द्विघात समीकरण बना लेना है। और जो भी द्विघात समीकरण होगा उसको x² और a² में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 23 तक के नंबर क्वेश्चन तक हो गया। चलिए एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। 24 में दोस्तों dx/x² + 2x + 2 × dx। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, ये dx है बट्टा, ये x² है तो x² लिख सकते हैं, प्लस 2 × x × 1 लिख सकते हैं ना भाई, 2 × x × 1 2x, और प्लस 1 + 1, देख लो 2x को हम लोगों ने लिख दिया 2 × x × 1, आखिर तो 2x है ना हुआ। और प्लस 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 × dx। ऐसा करने से दोस्तों ऊपर हो गया dx, नीचे हो गया, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं x² + 2 × x × 1 + 1² क्योंकि 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, +1 × dx। अब आप इतना चीज को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक a² + 2ab + b² बन रहे ना फार्मूला पे, तो यहाँ पे लिख सकते ना x + 1² तो यहाँ पे जो हम लोगों को बनेगा 1/x + 1² और बाद बाकी 1 है उसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ x के जगह पे क्या है, x के जगह पे x + 1 है और a के जगह पे क्या है, 1 है, a है की जगह पे 1 है। तो x² + a² का फार्मूला जानते हैं ना हम लोग कि 1 बटा अगर x² + a² रहेगा तो फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये फार्मूला को अगर यूज करेंगे तो 1/a, तो a के जगह पे कितना है 1 इंटू tan इनवर्स x, तो x के जगह पे कितना है भाई x + 1 बट्टा में a के जगह पे 1 + c, तो 1/1 का मतलब 1, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x + 1 + c। करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, tan इनवर्स x + 1 + c, यानी कि करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों के लिए b इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
बी हम लोगों का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है जरा देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ऊपर डी एक्स है बट्टा रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है जरा अच्छे से देखिए, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बाय रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx। और जो द्विघात समीकरण होता है, इस जो द्विघात समीकरण है उसको पहले पुट करना होता है, कब फार्मूला लगाना रहता है, क्योंकि ऊपर तो 1 है ना भाई, अगर ऊपर रैखिक समीकरण रहता तो हम लोग a और b का मान निकालते हैं, यानी कि नीचे द्विघात समीकरण ऊपर रैखिक समीकरण अगर रहता तब हम लोग a और b का मान निकालते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ऊपर में 1 है और नीचे में 9x माइनस 4x स्क्वायर है, तो 9x माइनस 4x स्क्वायर बराबर एक फार्मूला यूज करते हैं, वो है a x माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना माइनस 4, b का मान कितना है तो b का मान 9 है x का गुणांक, और c का मान कितना है तो c का मान 0 है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ a है जहाँ b है वहाँ c है, इसमें पुट कीजिए, तो a को बाहर निकालना है, a को क्या करना बाहर निकालना, तो a का वैल्यू कितना अभी हम बताएं माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी माइनस 4 ना, और ब्रैकेट x माइनस b बाई 2 है, तो b कितना बताएं 9 बाई 2 इंटू a कितना माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस c बाई a, क्या है c बाई a, तो c कितना है 0 बट्टा माइनस 4 माइनस b स्क्वायर, तो b के जगह पे कितना था 9, तो 9 का स्क्वायर 81, 4a स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना है माइनस 4, और माइनस 4 का स्क्वायर 16 ब्रैकेट क्लोज, क्या मिलेगा दोस्तों अब हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिल रहा है माइनस 4 ब्रैकेट, ये माइनस और माइनस कटेगा तो क्या बचेगा x प्लस 9 बाई 8 का होल स्क्वायर, देख पा रहे होंगे ना 9 4 दूना का 8, और ऊपर माइनस है और ये वाला माइनस 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 प्लस का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे तो जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं, तो हम कई बार बोल चुके हैं कि जीरो बट्टा में अगर कोई संख्या रहे 10 20 माइनस 8 माइनस 15 हमेशा कितना होता है जीरो, तो जीरो में माइनस 4 से डिवाइड किया गया तो कितना बचेगा जीरो माइनस। अब यहाँ पे हम लोगों को दिख पा रहा है क्या क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 81 और नहीं कटेगा तो 16 चौका 64 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे दोस्तों, यह माइनस 4 है माइनस 4 है तो 4 को 4 रखिए, ठीक है माइनस 4, तो यहाँ 4 का 4 रखे हैं, ठीक है, और ये माइनस है तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस में हो जाएगा x प्लस 9 बाई 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 को सिर्फ हम 4 बाहर रखे हैं दोस्तों, और ये माइनस को यहाँ पे माइनस लगा दिए, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 81 बट्टा 64, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 बाहर और 81 बट्टा 64 को 81 बट्टा 64 और माइनस x प्लस 9 बाई 8 का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो ये हम किसके जगह पे लिख सकते हैं, तो अभी बताया ना कि जो द्विघात समीकरण है उसके जगह पे। चलो भाई अब हम लोग अगेन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, अगेन इंटीग्रेशन 1/√9x − 4x² (dx)। दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन 1/√, इसी के जगह पे ना, इसी द्विघात समीकरण के जगह पे ना आया है, इतना में नहीं हटेगा, इसी द्विघात समीकरण के जगह पे ना आया है 1/√। अब इस द्विघात समीकरण 9x − 4x² के जगह पे आया हुआ है 4 (81/64) − x + 9/8 (2)। ठीक है, यही आया मिला हुआ है। चलिए इनटू में क्या dx। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 तो बाहर हो गया रूट में। अब ये 81/64 है तो 9/8 का होल स्क्वायर, नहीं ये 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 और 9/8 का स्क्वायर माइनस x + 9/8 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब 2 को जैसे ही हम लोग बाहर करेंगे तो बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/√9/8 का होल स्क्वायर माइनस x + 9/8 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो फार्मूला, 1/2 तो पक्का बाहर रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक फार्मूला बताया हुआ है, कौन सा फार्मूला चलेगा जरा बता देते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला चलने वाला है वो ये इंटीग्रेशन 1/√, पहले कांस्टेंट है ना 9/8, तो a² - x², तो a² - x² का जो फार्मूला होता है वो क्या हम बताए हैं, तो फार्मूला बताए हैं साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स के जगह पे क्या है, एक्स के जगह पे x + 9/8 और बटा ए, ए के जगह पे कितना 9/8। ठीक है, दिख पा रहे हैं ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पे हो गया x + 9/8 और ए के जगह पे हो गया 9/8 प्लस में कितना सी। अच्छा 1/2 तो 1/2 रहेगा ये वाला, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स ही रहेगा और ये 8 वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 9 और बट्टा में 9। तो ये हम लोगों को आंसर आ रहा है 1/2 साइन इनवर्स 8x प्लस प्लस या माइनस, वही यहाँ पे तो गलती नहीं ना हुआ, x - b/2 है तो b 9 है 2 है, हाँ सही तो है, x प्लस में आएगा ना यहाँ पे, कहाँ गलती हो रहा भाई, x - 9/8 का 0 c/a - तो माइनस माइनस प्लस, माइनस जो बाहर था उसको अंदर कर दिए तो a² - x² का फार्मूला यहाँ पे बैठा दिए तो 9/8 साइन इनवर्स x + 9/8 / 9/8 प्लस सी, तो ये 8 जो है ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा भाई 8x + 9 है ना / 9,
क्योंकि ये वाला जो 8 है ऊपर जाएगा, तो 8x और 8 से 8 कैंसिल होगा तो 9 बचेगा, और बट्टा में कितना 9, और ये 1/2, तो 1/2 साइन इनवर्स रहेगा ही रहेगा, प्लस 3, तो हम लोगों को तो सही आ रहा है लगभग। एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, फार्मूला होता है एक्स प्लस बी बाई टू ना दोस्तों, इसी के वजह से हम लोग का मिस्टेक, एक्स प्लस बी बाई टू होता है का होल स्क्वायर और प्लस सी बाई ए। हाँ अब सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को प्लस और प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यानी कि एक मिस्टेक हुआ था, इसी की वजह से हम लोगों का प्लस माइनस में अंतर पड़ जा रहा था। यहाँ पे भी माइनस, अब एक्स के जगह पे एक्स माइनस यहाँ आ गया, तो यहाँ हो गया अब हम लोगों को माइनस। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोगों का आया आंसर 1/2 साइन इनवर्स 8x-9/9 प्लस सी, तो ये आपको करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत, ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, कब, जब आपको पूरा का पूरा फार्मूला यूज करने आएगा, फार्मूला बिल्कुल सब कुछ जानते होंगे अच्छे तरीके से, तभी आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में 7.5 के कुछ थ्योरीज को लेकर। ठीक है, तो 7.4 के क्वेश्चंस को, पूरे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से बना लीजिए, नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।